भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तेरा भाई रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी के बंधन को तो जरूर निभाएगा, लेकिन पहले तू अपना फर्ज पूरा कर, मुझे चाय पिला, फिर भाई को राखी बांधने जाना। देखो सासू, जब बहन बगैर खाए पिए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो मैं आपको चाय बनाकर कैसे पिला सकती हूँ? पहले मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, उसे मिठाई खिलाऊंगी, उसे तिलक लगाऊंगी, फिर जाके आपको चाय बनाकर पिलाऊंगी। हाँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस त्योहार पर हर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र और खुशियों भरे जीवन की कामना करती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं तुझसे लड़ाई करके तेरा मूड खराब नहीं करना चाहती। जा तू पहले अपने भाई को राखी बांधा, फिर आकर मुझे चाय पिला देना। ये की ना आपने अच्छी बात सासू माँ, अब आप मुझे जाने लायक किराए के पैसे दे दीजिए। वो तो मैंने पहले ही निकाल कर रखे थे, ये ले 50 रुपए किराया तेरा जाने का। और आने का? अरे तेरा भाई तुझे राखी के पैसे देगा ना, आने का किराया उसमें से निकाल लेना। ठीक है सासू माँ, 100 दिन सास के तो 1 दिन बहू का, याद रखिएगा ये आप। हाँ बहू, राखी बांध आई? बांध आई सासू माँ, अपने दोनों भाइयों की कलाई पर। दोनों भाइयों की? लेकिन तेरा तो एक ही भाई है, ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्मों की तरह तेरा दूसरा भाई कुंभ के मेले में खो गया हो और आज राखी वाले दिन अचानक आ गया हो? अरे रास्ते में मिल गया था। जब मैं भाई को राखी बांधने जा रही थी ना, बस स्टॉप पर मैंने देखा एक लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अरे तू उतारती चप्पल और मारती उसे, अपने आप वो सीधा हो जाता। अरे वो तो मैंने उसे बगैर चप्पल उतारे ही सीधा कर दिया। हाँ? जब मैंने देखा कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो मैंने रुक कर उसे आपकी तरह डराया भी, कहा तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है ना बच्चों, तुझे इतना मारूंगी कि तू अपनी बीवी के पीछे जाना भी भूल जाएगा। अच्छा, वो डर गया? डर गया? अरे वो तो आपकी तरह बयान बदलने लगा, कहने लगा बहन मैं तो अपने घर जा रहा था, आपके पीछे नहीं आ रहा था। ये सड़क छप लड़के होते ही ऐसे हैं, जहाँ अपनी जान फंसी देखी नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपनी बहन बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सासू माँ। फिर मैंने भी इस बात का फायदा उठाया, फट उसको राखी बांध दी। अब बहन बोला था तो राखी बंधवाने से मना तो नहीं कर सकता था ना, मैंने भी राखी का फायदा उठाया। राखी का कोई कैसे फायदा उठा सकता है भला? अरे सासू माँ, अब जब बहन बनी थी तो भाई को अपनी जेब से पैसे तो निकाल कर देने पड़ते हैं ना, मैंने भी जब तक उसका पूरा पर्स खाली नहीं करवा लिया उसे वहां से हिलने नहीं दिया। हाँ। क्या बात है, राखी वाले दिन भाई बनाकर भाई को ही लूट लिया। उसे लूटा नहीं बल्कि किसी और की बहन को छेड़ने का सबक सिखाया है। आज के बाद वो राखी वाले दिन अपनी बहन को छोड़कर कभी भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखेगा। सासू माँ आप मुझसे पूछेंगी नहीं मेरे भाई ने मुझे क्या क्या दिया? क्या दिया तेरे भाई ने? मेरे भाई ने मुझे दिया है एक सूट, एक बनारसी साड़ी, 1000 रुपए नकद, और मेरे पति के लिए दिया है सूट पीस, कोट पैंट का कपड़ा। अरे तुझे उसने इतना कुछ दे दिया लेकिन तेरी सास के लिए कुछ भी नहीं दिया? मुझे पता था आप जलेंगी, इसीलिए नहीं मैं बता रही थी कि मेरे भाई ने मुझे क्या क्या दिया है। अरे तेरे लिए वो सूट साड़ी दे सकता है, तेरे पति के लिए वो सूट दे सकता है, तेरी सास के लिए कुछ नहीं दे सकता? कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही दे देता वो। दिया है ना सासू माँ, दिया है उन्होंने। हाय सच्ची, क्या दिया है? दिखाना मुझे, जल्दी दिखाना। धमकी दी है, धमकी, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो उस पर अत्याचार किया तो परेशान किया तो क्या? राखी वाले दिन के लिए तो आपको मुझे 2-4 नए सूट सिलवा ही देने चाहिए थे। अब तो तू राखी बांध कर आ रही है ना, जाने से पहले खरीदती, अब तो सूट लेकर क्या करेगी? अरे घर वापस आ रही थी तभी तो मुझे नए सूट की जरूरत महसूस हुई। पिछले 1 साल से आपने मुझे एक भी नया सूट नहीं सिलवा के दिया, पिछले साल भी राखी पर यही सूट पहना था, आज भी यही सूट पहना है। तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ है इस सूट को,
इतना खूबसूरत सूट है, कहीं से फटा हुआ है? नहीं ना, तेरे घर वालों ने तेरे सूट को देखकर कुछ कहा क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो पहचाना भी नहीं कि ये वही सूट है जो मैंने पिछले साल पहना था। तो फिर क्या परेशानी है तुझे? परेशानी तो घर वापस आते हुए हुई, मेरी एक सहेली मिल गई, उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं, बड़ी देर तक बस यूं ही घूर घूर कर देखती रही वो। बहुत दिनों बाद मिली होगी ना, वक्त के साथ साथ इंसान में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर आता है, इसीलिए उसने तुझे नहीं पहचाना होगा। उसने नहीं पहचाना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मुझे इस सूट की वजह से पहचाना। कहने लगी, अरे ये तो वही सूट है ना जो तूने पिछले साल भी राखी पर पहना था, इसीलिए कह रही हूँ आप मुझे नए सूट सिलवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे मेरे पुराने सूटों की वजह से ही पहचाने। सासू माँ, आज रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई भी अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है या पैसे देता है ना? तू तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि बहन को वो जो गिफ्ट भाई देता है उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए ना? हाँ, भाई अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ बहन को दे, बहन को खुशी खुशी ले लेना चाहिए। कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोना भी नहीं चाहिए ना? अरे रोने का क्या मतलब है भला? वो अपनी पड़ोस वाली राधा है ना, वो अपने भाई के दिए गिफ्ट से बड़ी परेशान है, रो रही है बेचारी। अरे ये तो राधा की बहुत गलत बात है, भाई चाहे छोटा सा गिफ्ट दे, बहन को चुप करके रख लेना चाहिए। इसे क्या दिया है राधा के भाई ने? राधा का भाई नेता है ना, उसने और नेताओं की तरह दिया है उसे गिफ्ट देने का आश्वासन। सासुमा, हमारा आज का ये दिन कितना अच्छा बीत गया ना, सुबह से लेकर अभी तक हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। अरे पगली, राखी के इस पावन पर्व पर भला कोई आपस में लड़ता झगड़ता है क्या? राखी का त्योहार बढ़ाए भाई बहन में प्यार, लेकिन सिर्फ भाई बहन में नहीं, हम सब में। तो सासुमा, अपने दर्शकों से भी ये प्यार बांट ले हम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सबको राखी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन मुबारक हो।